हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे, जहाँ पे आपको CUET PG से रिलेटेड जो भी अपडेट, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको वीडियोस के माध्यम से पहुँचाया जाता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो PG के लिए काउंसलिंग फॉर्म है उसको फिल करेंगे, और साथ ही साथ जो आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, जैसा कि स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, तो अगर आपके पास जो भी आपको समस्याएं आ रही है, जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, उनके बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले। इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है मैं आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आगे भी देता रहूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हो, और ये जो है आपको यहाँ पे एक नोटिस भी मिल जाएगा, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी कल भी बता दिया था। हालांकि मैं एक बार आपको और यहाँ से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोगों को काउंसलिंग करवाने के लिए यहाँ पे pgadmission.uod.ac.in जो वेबसाइट है वहाँ पर आना है। इसका जो पोर्टल है CSAS पोर्टल जो है वहाँ पर विजिट करना है। इन्होंने इस बार जो है इसको समर्थ ई गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट किया है। तो अगर आपने ड्यू को रजिस्टर किया था CUET PG के फॉर्म में, जब आपने NTA की वेबसाइट पे फॉर्म फिल किया था, वहाँ पे अगर आपने ड्यू को नहीं ऐड किया था तो आप इसमें रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक न्यू रजिस्ट्रेशन का है, दूसरा लॉगिन का है। तो सबसे पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, और जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको अपना CUET का एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना है। यहाँ पर आपको जो है अपना जो फुल नेम है, जो कि आपके स्कोर कार्ड पे है, वो देना है, क्योंकि NTA ने आपका जो स्कोर कार्ड है वही इन लोगों को दिया है। और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, यहाँ पे आपको ईमेल फिल करना है, और यहाँ से जो है आपको एक पासवर्ड बनाना है, और फिर ये मोबाइल नंबर आपको दर्ज करने हैं, और ये सिक्योरिटी कैप्चा देके और रजिस्टर कर लेना, ठीक है। आपको सिंगल प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी, नॉर्मली ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर लॉगिन करना होगा। हम लोग लॉगिन करने से पहले आपको इनका जो कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम है वो मैं आपको समझा देता हूँ, और आप लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इस नोटिस को हम लोग डाउनलोड करते हैं, ठीक है। ये नोटिस जो है, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो दिया गया है, इसको हम लोग डाउनलोड करते हैं। ये नया सिस्टम से है, नया है, आप पहले वाले के भरोसे मत रहना, ये नया दिया है, ओके। तो यहाँ पर आप लोग जो है देख पा रहे होंगे कि सारा गाइडलाइन, जो सारा इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए, ये पहले जनरल इन्फॉर्मेशन है, फिर आपका सीट एलोकेशन, जो कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम है वो कैसे काम करता है वो दिया गया है, फिर आपको जो आपका फॉर्म है वो कैसे फिलअप करना है उसके बारे में दिया गया है, तो वो अभी हम लोग देखेंगे। फिर आपको प्रोग्राम जो सिलेक्ट है, प्रेफरेंस एंट्री है, वो आपको देनी है। एलोकेशन रूल्स क्या है वो लिखे गए हैं। सीट एलोकेशन एंड एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा वो यहाँ पर है। इसके अलावा जो आपके सीट वैकेंट वगैरह रहती है तो उसके लिए कोई राउंड होगा तो वो है। एडमिशन कैंसिल करवाने का पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। मिड एंट्री, स्पोर्ट्स एडमिशन, बहुत कुछ यहाँ पर है। रिफंड पॉलिसी वगैरह, तो सब कुछ यहाँ पे आपका दिया हुआ है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। लिस्ट, जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। पहले हम लोग फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम लोग 42 जो पेज नंबर है यहाँ पर, 42 पेज नंबर पर हम लोग चलते हैं, जिससे कि मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँ। इस प्रोस्पेक्टस में बहुत सारी डिटेल दी हुई है, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, सारा कुछ यहाँ पर आपको इसके थ्रू मिल जाएगा। तो हम लोग 42 पेज नंबर पे यहाँ पर चलते हैं, पेज नंबर 29 आ गया, तो 42 पे विजिट करते हैं सीधे हम लोग। तो यहाँ पर आप देखिए 38 आ गया है एंड 39 आ गया, उसके बाद यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए एडमिशन जो है आपका, उसके बारे में यहाँ पे अपने को मिलेगा 42 पेज। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट के लिए है कि यहाँ नहीं है डॉक्यूमेंट वाला, आई थिंक नीचे होगा। ये रहा आपका डॉक्यूमेंट को लेके, ठीक है। तो कौन कौन से आपको एक्चुअली डॉक्यूमेंट जो है वो लगने वाले हैं वो आप लोग एक बार यहाँ से समझ लीजिएगा। तो जो है यहाँ पर जो आपको फ़ोटो और सिग्नेचर, ये दो चीज़ चाहिए जो कि आपको अपलोड करनी है, ठीक है। फ़ोटो और सिग्नेचर, अभी जब आप फॉर्म फिल करेंगे फ़ोटो सिग्नेचर आपको चाहिए। इसके अलावा जो है आपका यहाँ पे 10th का जो मार्कशीट है वो चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पे, मतलब प्रूफ के तौर पर, तो 10th का मार्कशीट लग जाएगा, ओके। इसके अलावा आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट वगैरह यहाँ पर ये लोग मांग रहे हैं, सर्टिफिकेट है SC ST OBC NCL
CW या PWD के स्टूडेंट है तो उनके लिए यहाँ पर चाहिए, OBC के लिए किस तरीके से जो सर्टिफिकेट चाहिए वो यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पे दिया गया है देखिए 31 मार्च 2023 के बाद का आपका इश्यू होना चाहिए, सेम वैसे ही जो है उसका दिया हुआ है। और अगर आपके पास मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है तो उसका भी फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है, स्पोर्ट्स कोटा के लिए भी दिया हुआ है, PWD के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है, ओके, CW के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है, ओके। एंड इसके अलावा भी जो भी लाइक माइग्रेशन का क्राइटेरिया है, जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपसे मांगेंगे वो भी दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर अगर आपके पास जैसे SC का सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो ये फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हैं, इनका ये जो फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पे है OBC NCL के लिए, अगर आपके पास बना हुआ है बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मेट आपके पास है और बना हुआ है, जो डेट अपने को ऊपर दी गई थी उसी डेट के बीच आपका बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपलोड कर देना। फिर यहाँ पर आप देखिए जो EWS के लिए है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, तो वो भी यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया हुआ है, अगर नहीं बना हुआ है तो इस तरीके से आप इसको फिल करके और यहाँ पर सील साइन वगैरह करवा के और इसको वेरीफाई करके और अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ECC कैटेगरी में कोई स्टूडेंट तो उसका फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है, वो इस हिसाब से इसको फॉलो कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे डिफेंस के लिए PWD वालों के लिए भी है तो वो एक बार यहाँ पे देख सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है, इसको आप लोग डाउनलोड यहाँ पर कर सकते हैं, ये आपको और भी यूनिवर्सिटी में काम में आ सकता है, बट इसको डाउनलोड करके आपको बनवाना है क्योंकि ये लगेगा, ओके। फिर अंडरटेकिंग है, ये अंडरटेकिंग डाउनलोड कर लेना, अगर आपके पास माइग्रेशन नहीं है तो इसको फिल करना है और फिल करके इसको अपलोड करना है, ओके। ये आपको समझ में आ गया यहाँ से, ठीक है। तो यही सारा कुछ यहाँ पर इस प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है, बाकी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी जो है वो समझा चुका हूँ, तो इसी तरीके से जो है आपको इसको यहाँ पर देख लेना है। जो भी डॉक्यूमेंट में जो कि आपको मोस्टली स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम आ रही थी, जो कमेंट कर रहे थे, उनका मैंने सोल्यूशन इस वीडियो में यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया है। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि आपको जो है किस तरीके से डैशबोर्ड में लॉगिन करना है, तो यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए वही आपको CUET का एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और ये कैप्चा फिल करके लॉगिन कर लेना है। तो मैं एक बार आपको लॉगिन करके बता देता हूँ कि क्या क्या यहाँ पर शो करता है, क्लियर। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जब आप लोग डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन कर लेंगे तो आपको चार ऑप्शन बेसिकली दिखाई देंगे। एक प्रोफाइल का है, तो प्रोफाइल में आपका लाइक पर्सनल डिटेल वगैरह वो सारा आपको फिलअप करना होगा। सेकंड में आपको जो है सिलेक्ट प्रोग्राम, आपको प्रोग्राम सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब तक मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ तब तक प्रोग्राम सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, मतलब आप उस पर क्लिक कर रहे हो तो प्रोग्राम सिलेक्ट हो ही नहीं रहा है, वहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि CUET के रिजल्ट के बाद आएगा, लेकिन रिजल्ट तो आ गया है, आपने काउंसलिंग पोर्टल भी ओपन कर दिया लेकिन फिर भी नहीं ओपन हो रहा, ठीक है। और ये हेमवती जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भी प्रॉब्लम आ रहा था, तो ये सोल्व हो जाएगा, क्लियर। अभी तुरंत आप देख रहे हो लेकिन ये बाद में सोल्व हो जाएगा। उसके बाद आपको CUET का स्कोर कार्ड, तो जब आप वहाँ डालेंगे तो ऑटोमेटिक नंबर वगैरह ले लेगा। उसके बाद आपको पेमेंट यहाँ पर कर देना है। मेन जो है आपका यहाँ पे ये सिलेक्ट प्रोग्राम वाला है, तो ये जो है आपका ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद मैं आपको और बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चार जो ऑप्शन है वो आपको आपके डैशबोर्ड में दिखाई देंगे और इन्हीं के बेस पर आपको यहाँ पर स्टेप बाई स्टेप चीज़ों को फॉलो करना है, फिल करना है, ओके। सो आई होप कि अभी सारे डाउट आपके क्लियर हो गए हैं, और कैसे आपको रजिस्टर करना है वो भी मैंने आपको इन शॉर्ट समझा दिया है। बाकी अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आगे भी मिलती रहे, ओके। सो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।